अनवार अहमद बाबूजी की जयंती मनाई गई है, किस तरह से जयंती मनाई गई है, क्या किया गया है उसमें? बाबूजी की जयंती पे हम लोगों ने फलों का वितरण किया है और बाबूजी के आदेशों का पालन करते रहेंगे हम लोग। जैसे बाबूजी ने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाया है, वैसे हम लोग सब लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वैसे ही आगे बढ़ाएंगे। आज समाजवादी पार्टी के उन्नाव जिले के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गवासी अनवार अहमद की जयंती मनाई गई, जिसमें सभी सपा के नेताओं ने आज कसाई चौराहा पर उनकी फोटो पर माल्यार्पण करके असहाय लोगों को दूध ब्रेड फल देकर मनाई जयंती। पूर्व सांसद अनु टंडन ने भी माल्यार्पण किया, जिसमें कि मुख्य रूप से पूर्व जिला सचिव शिबू शेख, पूर्व नगर अध्यक्ष इस्माइल खान, सभासद मेराज खान, पूर्व अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद जावेद मियाज खान, लाले गौरव यादव, अमन बाबा, शरीफ खान, फहीम खान आदि लोग उपस्थित रहे। स्वागत जिंदगी के लिए शिवशंकर की रिपोर्ट। उनके आदर्शों को दरकिनार किया गया तो इसके आने वाले समय में परिणाम घातक होंगे। तो समाजवादी लोगों को ये सोचने का वक्त है, जो बड़े लोग हैं, बड़े पदों पे आसीन हैं, ये वो लोग सोचें कि समाजवादी को किस तरह से हमें आगे ले जाना है। प्रोग्राम कुछ हुए माननीय अखिलेश जी के, उन्नावाए हर यादव वाद किया, हर यादव के घर में गए। हमारी कुछ दूरी पे अनवार साहब जी का बंगला था, वहाँ आने से कतरा गए, इसलिए उन्नाव जनपद की जनता उनसे नाखुश है। हम लोग चाहते हैं माननीय अखिलेश जी उन्नाव आए, उनके परिवार के कुछ नम आंसुओं को पोंछने का काम करें। पार्टी को लेके अखिलेश यादव जी से क्या मांग है आपकी? पार्टी से हमारी मांग यही है कि हमारे बाबूजी का सम्मान हो, बाबूजी के परिवार वालों का सम्मान हो, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पे आए और कितनी भी जगह गए, लेकिन जिसने पूरी ज़िंदगी, बाबूजी ने पूरी ज़िंदगी अपनी समाजवादी पार्टी को दे दिया, लेकिन उनके पास 5 मिनट का टाइम नहीं था कि उनके परिवार के लोगों से मिल लें। बस यही हमारी मांग है कि उनके परिवार के लोगों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिल के चलें और उनको आगे बढ़ाने का काम करें। और बाबूजी